थैंक यू महीन, मतलब ये प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? वो महीन, मैं आपसे ये शादी नहीं कर सकती। क्या? क्या? हाँ मतलब महीन, कौन ऐसे घुट घुट के जीता रहे? मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा महीन, और वैसे भी मैं अपनी लाइफ में अभी बहुत कुछ करना चाहती हूँ। फेरे होने में 3 घंटे बाकी हैं अब, और तुम्हें ये सब सोच रहा है कि पागल हो गई हो क्या प्रतिभा? प्लीज अब आप सबसे जाकर ये कह दीजिए कि ये शादी नहीं हो सकती, और कुछ ना कुछ कह दीजिए, लेकिन हाँ मेरा नाम बीच में नहीं आना चाहिए। हाँ शादी तुम तोड़ रही हो, इल्जाम मैं अपने सर पे ले लूं? सवाल ही पैदा नहीं उठता। ठीक है फिर, आपको अगर कुछ नहीं बताना है तो मैं ही कुछ करती हूँ। मैं ही सबसे जाकर कह देती हूँ कि अब ये शादी नहीं हो सकती। यार मैं माँ को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको क्या जवाब दूंगा अभी मैं? ये क्या सूझा तुम्हें ये लास्ट मोमेंट पे? लड़की की जिंदगी का सबसे खास दिन होता है, एक दिन जो सिर्फ उसका होता है, जब सबकी नजरें उसकी तरफ होती हैं, एक दिन जब सब उसके मुताबिक होता है, आपके एक इशारे पे 50 लोग भागने को तैयार होते हैं। तो क्या सिर्फ इस वजह से ये एक दिन एक लड़की का सबसे खास दिन बन जाता है? नहीं, कारण तो कोई और होता है। ठीक उसकी बगल में खड़ा हुआ उसका पति, जिसका वहां होना एक प्रॉमिस होता है कि जिंदगी तो यहाँ से शुरू होने वाली है, जो मांगा सब मिलने वाला है, सब मिलता भी है, पति का प्यार, बच्चों का दुलार। पर फिर जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, सब बदलता जाता है, रह जाती है तो बस एक रोटी। क्या आपके साथ ऐसा नहीं हुआ? हुआ है, झूठ मत बोलना। ये कहानी है मेरी, आपकी, हम सबकी, और हमारी प्रतिभा की भी। यहाँ प्रतिभा, मुश्किल से तो सोने का टाइम मिलता है, जानबूझ के डिस्टर्ब करती रहती हो। क्या नींद की धज्जियां उड़ाई है इस बीवी ने अपने पति की? पक्का प्लानिंग करके गिराया होगा, सोचा होगा ग्लास यही रखती हूँ, सुखा हाथ मार के गिरा दूंगी, पति देव की नींद उड़ा दूंगी। मुर्गा बांग भी बाद में देता है, प्रतिभा उससे पहले उठ जाती है, सबसे लेट सोने वाली और सबसे पहले उठने वाली। जैसे मंदिर में 8 हाथों वाली देवी होती है ना, वैसे ही हर घर में एक अष्टभुजाओं वाली प्रतिभा जैसी एक देवी भी होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि मंदिर की देवी को सब पूजते हैं और इस देवी को कोई पूजता भी नहीं है। आपके घर की देवी आप ही हैं, और कोई आपको नमस्कार करे ना करे,
आप खुद को कर लीजिए नमन। अनमोल बेटा जल्दी उठो, स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। अनमोल उठो बेटा। ये क्या ऐसे बासी मुंह, कोई फोटो खिंचवाता है भला? नहीं मॉम, अपडेट कर रहा था कि मैं उठ गया। अरे अनमोल फोन तो यहाँ छोड़ दे, किसे भी साथ में नहलाएगा। मॉम अपडेट करूंगा कि मैं ब्रश कर रहा हूँ और जमाने में कुछ और भी काम है किचन के सिवा। अच्छा जी। अरे बहु काशी नाप है इनका, पर इनकी आवाज में बनारस का संगीत नहीं, बनारसी सांडों की हुंकार होती। गलत मत समझिए भाई, ये कोई एक्स्ट्रा डरावनी सांस नहीं है, बस एक सांस है जो अपने आप में एक डरावनी चीज है। इनकी जिंदगी का एक ही मकसद होता है, बहू की गलतियां निकालना।